हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया है, इसकी जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स निकली है फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, उसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इस वीडियो में आपको नॉन टीचिंग के बारे में बताऊँगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पोस्टें हैं लाइक टीचिंग में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, उसका आपने कैसे अप्लाई करना है, एंड आल्सो फॉर प्री प्राइमरी टीचर्स, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया, इंक्लूडिंग वीडियो में बताया कि आप फीस कैसे पे करेंगे, करेक्शंस कैसे करेंगे, और क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है जिसके बिना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये वेबसाइट है davcmc.net.in। वेबसाइट पर जाके यहाँ पर टॉप राइट हैंड साइड पर आपको लिंक मिलेगा डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई नाउ, यहाँ से और यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम फिल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने बच्चे का नाम फिल किया, ये हम फिल कर रहे हैं फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, मतलब कि जो क्लेरिकल पोस्ट है उसके लिए मुझे यहाँ एलडीसी एडमिन के लिए पोस्ट अप्लाई करनी है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बिकॉज इस पर आपको ओटीपी जाएगा। ये सारा फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपका जो फ़ोन नंबर जो हमने फिल किया है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, और वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी आपका 5 नंबर का होगा जो आपको साथ के साथ ही रिसीव हो जाएगा। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, बताया गया है जो जो इन्फॉर्मेशंस ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, और टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, जो भी आपका स्टेट रहेगा वो आप स्टेट चूज़ करेंगे, कौन सी यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे मुझे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें मुझे एलडीसी एडम के लिए अप्लाई करना है। बाकी जो भी आप इनमें से चूज़ करेंगे पोस्ट, उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट करनी चाहिए, अगर वो नहीं करती तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एडम के ऊपर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप पहले इसमें एरर आ रहा था डेट ऑफ बर्थ का, कि जो आपकी डेट थी वो आपका यहाँ से 1980 के बाद नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी बच्चों को, वो था कि कंप्यूटर में सी टेट पी टेट नहीं होता, वो भी उन्होंने बैकएंड टीम ने ठीक कर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्यूरीज ऑफ द कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर अपना फादर नेम फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, अपना जेंडर चूज़ करेंगे, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। व्हाट्सअप नंबर फिल करेंगे जो आपका एक्टिव है, यही नंबर भी फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सिटी, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, और पिन कोड, यहाँ से एक्सपीरियंस आपका है तो ठीक है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से आपकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में तो एक्सीलेंट ही होनी चाहिए, कॉमन सी बात है, मैं यहाँ पर क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशंस में आपकी 10th 12th तो कॉमन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी रहेगी बीए, बीएससी विद मैथ्स ऑन बीए चूज़ कर लिया, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट 1 ईयर का आ जाएगा बिकॉज पीजीसी किया हुआ है। ये आप सारी डिटेल फिल करेंगे, यहाँ पर आपकी परसेंटेज और डिवीज़न ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अपनी स्टडी की है, कॉरेस्पॉन्डेंस की है, ओपन से की है या नॉन कॉलिगेट से की है, उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th का डीएमसी, 12th का डीएमसी, ग्रेजुएशन की डिग्री, और ये जो आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है लाइक पीडीसीए, इसका फिलहाल डिग्री नहीं होती पीडीसीए की, इसका आपको जो सेकंड फाइनल डीएमसी होगा डिटेल मार्कशीट वो अपलोड करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ से दोनों को एग्री करेंगे डिक्लेरेशन को। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आपने क्या फिल करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और बाद में यहाँ पर क्लिक करके रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो सारा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, एंड इफ़ यू डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर फॉर्म, वहाँ से आप क्लोज करेंगे। क्लोज करके जो भी आपकी डिटेल चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते वो कौन कौन सी हैं, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी,
ये आप चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बाकी सारी डिटेल्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बेशक कोई भी फॉर्म है, टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, पीआरटी या, और हाँ पीजीटी के लिए आपका सीटेट पीटेट नहीं है, उसके लिए आप विदाउट पीटेट सीटेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी अदर पोस्ट भी ऐसे अप्लाई होंगी, जो भी आपकी स्टेट रहेगी वो टॉप पर आएगी, पोस्ट आएगी, मतलब जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जैसे मैं दूसरी के लिए अप्लाई करता तो पीआरटी आता, टीजीटी आता, पीजीटी आता, सब्जेक्ट एलडीसी आइटम है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, आपका फ़ी पे होगा, फ़ी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, 300 फीस रहेगी। जब आप फीस पे कर देंगे तो आपका सारा पोर्टल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा पोस्ट का नाम टॉप पर, आपका नीचे फ़ोन नंबर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, देन साइन आउट, तो ये आपके आ जाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस रिगार्डिंग डेट हाउ यू कैन फिल मिनिस्ट्रियल पोस्ट। टीचिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की रखी है, उसको आप देख सकते हैं। सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो भी अपलोड किया हुआ है, और काफ़ी जो क्वेश्चंस है बच्चों के, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपना यूट्यूब चैनल पर, उसका आप सारा जो डिटेल्स है वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए हमसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म ऑनलाइन हम फिल कर देंगे, जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। हमारी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भी नीड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उनका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।